पुराना है सब, और चंडीगढ़ तक जा लिया मैं इस गाड़ के लिए, वो नहीं आज तक मेरी बनी, तो मैं क्या उम्मीद रखूंगा, क्या उम्मीद रखूंगा भाई बीजेपी में आके कुछ कर देगी, नुकसान कितना कर दो से किसी का लाल से। नमस्कार जी, इसको सी करो पहला। नहीं पहले आप ना इंटर करो, ये सभा में गए पंडताली में उसमें। अच्छा नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? एक सूबेदार लक्ष्मी नारायण शर्मा। अच्छा जी, तो यहाँ पे कितनी वोट हैं जी आपके गांव में? 57,500 हैं। तो कौन सी पार्टी का कितनी कितनी पड़ने की उम्मीद है आपकी बार? ये कोई पता नहीं है, झूठ बोलने का कोई दर नहीं किसी। अच्छा, का कोई बार हमने किसका आज का वोट किसकी की वोट देवे? अच्छा, कहे किसी की देवे किसी की। तो आपको हिसाब से किसका रुझान लग रहा? मैं इस चक्कर में पड़ता ही को नहीं, ना मैंने भी रहा। आप बताओ जी, किसका रुझान लग रहा है जी? यहाँ तो सभी की टक्कर है। हाँ जी, प्रेमलता के भी ऐसे हैं, दुष्यंत के भी ऐसे हैं, और कांग्रेस वाले भी ऐसे। अच्छा, हाँ तीनों पार्टियां गए, तीनों पार्टी गांव के अंदर। हाँ, गांव का कोई निजी कैंडिडेट है आपका कोई? आप कोई ना मारा भी कोई नहीं। अच्छा जी, आप तो और आएगी सलाह दे रहे हैं। हाँ तो चलो, आप हमने ठहरा क्या पंडित जी हैं उसके तो हम जाएंगे जिसे नाम उठाया है। तो चलो जी, ऐसे बंदे हमें बड़ी मुश्किल से मिलते हैं कि जो एक इन्होंने तो एक अलग से कैंडिडेट उठा रखा है उसको उसको वोट देंगे, लेकिन ये दूसरी पार्टियों के बारे में अच्छे से बता सकेंगे क्योंकि अपनी अपनी पार्टी के बारे में सभी बता देते हैं। तो आप बताइए जी कि बीजेपी और कांग्रेस और जेजेपी आपके आजाद उम्मीदवार को भी चलो बीच में ले लेते हैं, या इसके अलावा गांव के अंदर किस किस पार्टी का रुझान है जी? मतलब इसमें ही ले लो जेजेपी और बीजेपी के अंदर। इनका जेजेपी का, इनका तीनों का एक सरा है। अच्छा जी, पर 5-10 वोट घट बह दे जाएंगे। अच्छा, अब मैं पीछे एक वहां गया था, वो कह रहे थे 1500 वोटों से दुष्यंत जीतेगा, ऐसा तो नहीं कुछ? ना ना कुछ नहीं ऐसा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब भाई जनता को इंसाफ नहीं बताते। हाँ जी, किसी की मन मर्जी है वोट, वो अपनी इच्छी से गिरेगा, लेकिन मुकाबला है तीनों का, बस बात और कुछ नहीं कहेंगे। पूरा मुकाबला है जी, है पूरा मुकाबला, यूं के किसी के मुंह में देखा जाओ मेरे, पूरा की क्या बात है भाई। अच्छा, ठीक से नहीं, हमने कोई बेरा नहीं बाकी है। थोड़ा उसका बारे में बताया जो शर्मा जी भाई, देख सीधी सी बात है, अगर बीजेपी हार जाए इस गांव से तो बहुत बढ़िया है, बात खत्म होगी बस। क्योंकि एक बांध बन रखे हैं जी, एक जो उचाने में आएगी और तो और किसी की सही को नहीं भाई, किसी ने पार्टी वाला ने कुछ नहीं मिल रहा है इनका, अपना मिलजुल के ले रहे हैं, अब ले लेंगे बात खत्म होगी और कुछ नहीं। आरएसएस का मेंबर रहे हैं आप? आरएसएस के मेंबर रहे हो पुराने? तो आप फिर भी बीजेपी से नाराज चल रहे हो भाई? अगली ने कुछ काम में को नहीं करे, मेरी गाल तक को नहीं बनाई आज तक जो बोलिए, तो क्या उम्मीद रखूंगा भाई बीजेपी आगे कुछ कर देगी, नुकसान कितना कर दो से किसी का लाल से। अच्छा जी, जब एक कैंडिडेट है पुराना है सब, और चंडीगढ़ तक जा लिया मैं इस गाल के लिए, वो नहीं आज तक मेरी बनी, तो मैं क्या उम्मीद रखूंगा कि भाई बीजेपी आके काम करेगी। कितनी उम्मीद के साथ बनाई थी आपने पार्टी को वोट, कितनी उम्मीद के साथ आरएसएस का मेंबर होने के नाते बताओ जी? भाई मैं तो 94 तो आरएसएस का मेंबर हूँ, बीजेपी का मेंबर हूँ आज से नहीं, लेकिन हमने न्यू को नहीं बेरा था कि भाई कांग्रेस ही आके जो नहीं ऐसे चढ़ कटेगा। तो ये है जी, हाँ जी बेसिक ले जी अपने जिसमें बता दिया, जो पुराना पहला कांग्रेस में रहा ही बीजेपी के पैर पकड़ के आ गया, इब जो नहीं जनता का केबला करेगा जो उन्हें करे। कोई निजी कैंडिडेट उठाया या क्या? आप इससे नाराज हो करके कैंडिडेट निजी कैंडिडेट आपने उठाया आजाद? आजाद कैंडिडेट उठाया मैंने, कोई नहीं ठहर रखा। अच्छा, ना मैं किसी के उसमें जानता, लेकिन इस पर जब इससे नाराज है तो यह जी आरएसएस के मेंबर हैं जी, पंडित जी हैं पुराने, और इनकी राय आपने